सॉरी, मैं समझा। कोई बात नहीं, कर आओ खाना खा लो। तुम ये सब चालू नहीं करो अभी। करण देखो, खाना ना खाकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। खाना खाने से क्या हासिल हो जाएगा? नहीं रहना जिंदा। प्लीज देखो, अन्न पर गुस्सा नहीं करते। हाँ, मुझे हर उस चीज पर गुस्सा आता है जो मेरे जिंदा रहने की वजह है। देखो करण, ऐसा नहीं सोचते यार। तुम लोग किस तरह सोचते हो मेरी समझ में नहीं आता। माना कि रक्षंदा मुझसे प्यार करती थी, लेकिन तुम्हें भी वो उतना ही चाहती थी ऋषभ। कई बार उसने तुम्हारे खातिर मुझसे झगड़ा किया, फिर तुम्हें ये कैसे गवारा हो गया ऋषभ की शोक की एक रस्म अदा कर दी और रिश्ते की अदायगी हो गई। उसके बाद सब वही नॉर्मल, खाना पीना, हंसना बोलना, काम धंधा सब वैसे ही। दो चार दिन में तुम्हें रक्षंदा की कोई कमी महसूस नहीं होती? जिंदगी में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। करण, रक्षंदा की मौत के साथ साथ इस ऋषभ का क्या क्या मर गया है ये तुम नहीं समझ सकते। फर्क बस इतना है कि तुम्हारा मातम मनाने का तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। फर्क यह है ऋषभ कि तुम्हें कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, और मुझे जरूरत से ज्यादा फर्क पड़ गया ऋषभ। लेकिन उसकी वजह है, तुम भरे पूरे परिवार में पैदा हुए थे ऋषभ, और मुझे पैदा होते ही यतीम का दर्जा दे दिया गया। एक रिश्ता अगर कम भी हो जाता तुम्हारा ऋषभ, तो जिंदगी आबाद करने के लिए कई रिश्ते थे, लेकिन मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक रक्षंदा थी। जब मैं अकेला आसमान में उड़ता था तब मेरी आजादी से लोगों को जलन होती थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि शाम को लौटने के लिए मेरे पास घोंसला ही नहीं है। अंधेरी रात में अकेला यह बदनसीब परिंदा उड़ता था, यह किसी ने नहीं देखा, किसी को नजर नहीं आया, अकेला उड़ता था रात में। ऐसे में एक रक्षंदा नाम का घोंसला मुझे दिखता है, जो बाहें फैलाए मुझे पनाह देने का न्योता दे रहा है। मैं लपक के घोंसले पे अपने नाम की तख्ती लटका देता हूं। थका हुआ था, सो जाता हूं, तो बहुत अच्छी नींद आई थी ऋषभ। इंद्रधनुष से भी ज्यादा रंगीन मैंने सपने देखे थे, लेकिन जब देर दोपहर में नींद का नशा उड़ जाता है तो फिर वही सर पे चिलचिलाती धूप, हौसला गायब, सूखे से सूखे पेड़ की नुकीली डाल पे अपने आप को लटकता हुआ पाता हूं ऋषभ। ये सब हाल ही में हुआ मेरे साथ, और तुम लोग समझते हो कि मैं नॉर्मल हो जाऊंगा? मैं शायद इतनी जल्दी नॉर्मल इसलिए हो गया हूं कि जिंदगी ने मुझे दुख दे देकर मुझे ऐसे हादसे बर्दाश्त करने लायक बना दिया है। जिस भरे पूरे खानदान की बात कर रहे हो तुम, जिसमें भोग की तरह मेरे आसपास रिश्ते सजे हुए थे, उन रिश्तों का आलम, उनकी असलियत तुम नहीं जानते। जब से मैंने होश संभाला, अपने आप को बिल्कुल तनहा, बिल्कुल अकेला पाया, जब रिश्तों की समझ हुई मुझे, मैंने अपनी मां को नशे की हालत में देखा। एक ऐसा नशा जिसमें उन्हें यह तो याद था कि वो मिसेस केशव मल्होत्रा है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि उनका ऋषभ नाम का एक बेटा भी है, और दूसरी तरफ मेरे पिताजी का साया था मेरे सर पे, लेकिन वो साया किसी और के घर से मेरे पास आता था। अपने सगे बाप के साथ रिश्ता निभाने के लिए मुझे किसी सौतेले के घर में जाना पड़ता था, और तुम, खैर, कुछ दो साल पहले वो साहब भी मेरे सर पर से हट गया, लेकिन जब तक मेरी मां का नशा टूटा, तब तक तुमने उनकी गोद पर हुकूमत कर ली थी। चाहते हो करण, रक्षंदा की मौत के बाद मैं जितना अपने आप को समझ पाया हूं, तुम्हारी बातों से जितना तुम्हें समझ पाया हूं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में जो रंजिश है, जो दुश्मनी थी, वो दरअसल हमारी अपने आप से नाराजगी थी। हम अपनी अपनी जिंदगी से इतने ज्यादा परेशान, इतने नाराज थे, जिसका गुबार हम एक दूसरे से दुश्मनी करके निभा रहे थे। मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है,
लेकिन दोस्त, इंसाफ तकदीर ने मेरे साथ भी नहीं किया। करण, तकदीर के सामने घुटने टेक देने में ही समझदारी है। देखो, नसीब तो हमारा बुरा करता आया है और करता रहेगा, कम से कम हम तो अपना बुरा ना करें। और वैसे भी अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम दोनों के साथ में आई है, भले ही सब उसे भुला दें, लेकिन लेकिन हमें अपने दिलों में रक्षंदा की याद को जिंदा रखना है। जब उसके बारे में सोचकर हम उसे याद करेंगे ना, तो बहुत खुश होगी, मुस्कराएगी। देखो, जब जब तुम्हारा दर्द कम होगा ना, तो तुम्हारे साथ बातें करेगी। मैं बहुत बातें करता हूं उसे, बहुत बोलती है वो मेरे साथ। आज उसी के कहने पर मैं तुमसे मिलने आया था, उसी के कहने। ऋषभ, रक्षंदा से बात हो तो कहना कि मैंने खाना खा लिया, मैं खा लूंगा। आते रहना, इस करण को अकेले संभालना मेरे बस की बात नहीं।